लोगों का आवश्यकता क्या है ये तो देखो पहले, ठीक है। दूसरा, हमारा लक्ष्य किसी को रोजगार करना करवाना नहीं है, नहीं खुद को स्वावलंबी भी बनाना नहीं है, ये सब बाय प्रोडक्ट है। हमें चाहिए एक ही काम, देश निर्माण क्रांति, ठीक है। और उसके लिए व्यक्ति का निर्माण, जो कभी विवेकानंद बोल के गए थे, मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, ठीक है ना। जब आपके हाथ में गुरुकुल बन जाएगा और आपके हाथ में 100 से 1000 नौजवान छात्र बन जाएंगे, उनका एफिशिएंसी 1000 गुना ज्यादा बढ़ गया होगा, बदले अभी जितने आपके पास कपड़ा कारीगर हैं। सबसे बड़ा समस्या ये है कि जो मैन पावर का क्वालिटी डेवलपमेंट होता है, एनहेंसमेंट ऑफ मैन पावर, अब ऐसे समझो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का सरकार के पास जरूर ऐसे मंत्रालय है शायद, या ऐसे विभाग है शायद, लेकिन उस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम पे कुछ ऐसा कार्य नहीं हो रहा है जो सच में ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो। समझ में आ गया? अब आगे सुनो, आज हमारे सोल्जर्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जर्सी गाय का दूध, बॉयलर मुर्गा, या फिर रासायनिक खाद के उत्पाद खा खा के, प्लास्टिक का चावल, डुप्लीकेट आटा और जो भी आप समझ रहे हो, लेकिन सरकार के दृष्टिकोण में हो सकता है ये बहुत उत्तम और अच्छा भोजन दे रहे हैं अपने सैनिकों को, लेकिन गाड़ी में जैसे तेल डालोगे गाड़ी का क्वालिटी ऐसा बनेगा ना प्रभु, तो खेम ऐसा ही है। अब ऐसे पेट्रोल में आप बोलोगे हमारा ह्यूमन रिसोर्स आर्मी नेवी कमांडो, या फिर हमारे राउर स्टील प्लांट्स या किसी फैक्ट्री के वर्कर्स, या फिर इस भारतीय नागरिक, इनका रिसोर्स, इनके कैपेसिटी, क्वालिटी, कैलिबरिटी, नेतृत्व, चरित्र, व्यक्तित्व, दायित्व का वर्धन होना या विकास होना, या उस रेंज को, जिस रेंज को हम लोग टारगेट बना रहे हैं, आशा कर रहे हैं, वो ना के बराबर है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आपके ह्यूमन रिसोर्स उस हाइट पे, उस टॉप पे पहुंचे, तो बचपन से गुरुकुल ही एक माध्यम है, जहां बचपन से बच्चों को गुरुकुल के माध्यम से उनको उस प्रकार के आहार विहार साधना दे के उनके हर क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। और ये कार्य हम लोग ऑलरेडी कर चुके। आप इमेजिन करो, एक एक बच्चा एक एक कुआं खोद दे फिजिकल लेवल पे, मतलब मात्र 8-9 क्लास के बच्चे टेक्निकली एक घर बना सकते हैं। हम चाइल्ड लेबर नहीं का बात कर नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकली रिसर्च के अंतर्गत, आप समझ में आ रहा है, ये फिजिकल टारगेट बता रहा हूं। और ऐसे ही जो शिव खेरा जी ने अपने पुस्तक में लिखा कि जिसका दूरदृष्टि जितना, वो उतना महान कार्य करता है, जिसका दूरदृष्टि 1 साल का है फूल का खेती करता है, 10 साल का है होता है तो कोई फल गछ लगाता है, 100 और 50-100 साल का है तो कोई गाय का पालन कर लेता है या ऐसा कुछ प्रोजेक्ट फार्मिंग कर लेता है, लेकिन जिसका दूरदृष्टि अनंत समय तक है तो वह इंसान का खेती करता है। अब इस बात को समझ में आ रहा है आपको? एक फूल का पौधा 100 रुपया दे सकता है 1 साल में, ज्यादा नहीं। एक फल का पौधा 1000 रुपया दे सकता है, ज्यादा नहीं। एक गाय या कोई प्रोजेक्ट ज्यादा से ज्यादा 1 लाख से 10 लाख दे सकते हैं, ज्यादा नहीं। लेकिन एक मनुष्य को अगर निर्माण कर दोगे, ह्यूमन कल्टीवेशन कर दोगे, उसे उस प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक विकास दे दोगे, उस प्रकार के उनके अंदर का परम सत्ता, परम शक्ति का जागरण कर दोगे, तो समझना कि 1 करोड़ से अनंत करोड़ तक पैसा निर्माण कर सकता है।
मैं आपको मेरे भावनाओं को शब्दों के माध्यम से समझा नहीं सकता, लेकिन आप 10-50 कप प्रभु मैं मानता हूं, लेकिन एक बात का ध्यान देना बाप, ऐसा है ना, फोकस कहाँ पे करना है? फोकस गुरुकुल पे करना है, सारा काम एक तरफ और मेन टारगेट एक तरफ। अदरवाइज होता क्या है ना, वो उसी शिव खेरा के पुस्तक में बहुत अच्छा बात, एक कहानी है, एक प्लेन उतर रहा था और वो लैंडिंग गियर डाल दिए और वहाँ का जो लाइट जलना चाहिए वो नहीं जला, तो सारे लोग लग पड़े लाइट क्यों नहीं जल रहा है, फ्यूज कहाँ उड़ गया, बॉल फ्यूज है, क्या हो गया, उसके पीछे लगे। लैंडिंग गियर क्यों डाला गया, लैंडिंग गियर डाला गया उस तरफ ध्यान दो और प्लेन को उतारो, उस तरफ किसी का फोकस नहीं हुआ और आखिरी में प्लेन नीचे गिरा और सारे लोग मर गए। तो हम भी ऐसा ना करें, फोकस ऑन आवर टारगेट गुरुकुल, ठीक है ना, देयर इज नो अदर फोकस, नथिंग, और कुछ नहीं करना, समझ में आ रहा है?